So classic string, this is the last part of chapter 5, major domains of the earth. Okay, in my previous video I have told you about atmosphere. In this video I will tell you about biosphere. So let's discuss about biosphere. The biosphere is a narrow zone of contact between land, water and air. It is in this zone that life that is unique to the planet exists. ओके सो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक ऐसा जोन ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसमें लैंड, वाटर, एयर ये तीनों ही एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं. ठीक है, लैंड, वाटर, एयर ये तीनों ही एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और इस जोन की वजह से, ठीक है, इन तीनों की वजह से जो हमारा अर्थ है, जो यूनिक प्लैनेट हम इसे कहते हैं, इस पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है. क्यों? क्योंकि हमें ये तीनों जो नेसेसरी चीजें हैं ये हमें यहाँ पे अवेलेबल है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्म that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. और हम देखें कि हमारी अर्थ में ये तमाम तरीके लाइफ फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, चाहे वो स्मॉल बैक्टीरियाज हो, माइक्रोबेस हो, अगर हम इनके साइज को देखें तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं. ठीक, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो इतने छोटे से लेवल से लेके बड़े ह्यूज मैमल्स तक, ठीक है, ये सारी ही जो है हमारी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रही है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे पास हमारे जो लाइफ को सस्टेंस करने के लिए जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, सो ये छोटे छोटे माइक्रोबेस बैक्टीरिया से लेके बड़े ह्यूज मैमल्स तक जो है यहाँ पे जो है ये सारे ही ऑर्गेनाइज्म वेरी कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर और टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. और जो हमारे बायोस्फीयर है इसमें सर्वाइवल के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनाइज्म साथ में ही इसमें ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो सभी जो है सभी का आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेड है. ओके, फॉर सर्वाइवल इन बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में सर्वाइवल के लिए सभी एक दूसरे पर डिपेंडेड है, सभी का एक दूसरे से लिंक्ड भी है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हो और ह्यूमन हो. द ऑर्गेनाइज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. और ये जो ऑर्गेनाइज्म है हमारे बायोस्फीयर में सभी को जो है डिवाइड कर दिया गया है. ओके, टू पार्ट में, जैसे प्लांट किंगडम एक हो जाता है प्लांट किंगडम और दूसरा हो जाता है एनिमल किंगडम. ओके, प्लांट किंगडम जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट को देखते हैं. ओके, ऐसे ही एनिमल किंगडम, तो इसको डिवाइड कर दिया गया है. द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर्स. सो जो हमारे ये थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, जैसे लैंड वाटर एयर, जैसे एटमोसफियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, तो ये क्या करते हैं, अर्थ पे जो है एक दूसरे से इंटरेक्टेड है. ओके, एक दूसरे से इंटरेक्ट है और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं कुछ वेज में, कुछ तरीकों में, कुछ जगह पे एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड. अगर हम पेड़ों को काटे, फॉरेस्ट को काटे, तो ये हमारी किस नीड को पूरी करेगा? वुड की. ठीक, अगर हमें वुड की नीड है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, ये हमारे इस नीड को पूरा करते हैं. और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लैंड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप. और अगर हम एग्रीकल्चर के लिए प्लांट्स को क्लियर कर रहे हैं या लैंड को क्लियरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो मिट्टी होगी वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी. ओके, और उस मिट्टी के लूज होने की वजह से जब वो सॉइल वहां की बहुत लूज हो जाएगी तो अगर उस टाइम उस समय बारिश आती है बहुत तेज की, ठीक है, रेन होती है, तो वो क्या करेगा, उस सरफेस को जो अर्थ का सरफेस है जहां से हमने पूरी कटिंग कर दी है, फॉरेस्ट को काट दिया है, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ वहां की सॉइल को पूरा रिमूव कर देगा. ठीक है, ओके स्ट्रेंड. सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक. ऐसे ही अर्थ के सरफेस में भी चेंजेस देखे हैं हमने, नेचुरल क्लाइमेटीज जब होते हैं जैसे अर्थक्वेक है, तो इसकी वजह से हमने देखा है कि अर्थ के सरफेस में भी चेंजेस देखे. आपने पहाड़ों में देखा होगा जब वहां पे लैंडस्लाइड होते हैं तो आपने अर्थ की सरफेस देखी है, वहां चेंज हो जाती है. ठीक है, लैंडस्लाइड होते हैं. और भी आपने और भी जगह देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है तो वहां की लैंड जो है कैसी अलग तरीके की हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. और ऐसी अगर आप सुनामी देखें तो जो वाटर बॉडीज या ओशियंस के अंदर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपने जब सुनामी आती है तो वो अपने आसपास के एरिया को सबमर्ज कर देती है.
ठीक है, सबको डुबा देती है, अपने आसपास के एरिया को जो है पूरा जो है सम्मर्ज कर लेती है, अपने अंदर समा देती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सम्मर्ज अंडर वाटर। ऐसे ही हम देखें कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ के बहुत सारे पार्ट्स जो है जब सुनामी आई थी तो उसमें ये सारे ही पार्ट्स अंडमान निकोबार के उसमें सम्मर्ज हो गए थे। तो ऐसी ही सभी एक दूसरे पे डिपेंडेड है, अगर किसी चीज में कोई हलचल होती है तो उसका इफेक्ट जो है सभी पे पड़ता है। ओके, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटीरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ऐसे ही अगर हम जो वेस्ट मटीरियल्स जो डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री का हो या हाउस होल्ड हो या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज एरियाज है वहाँ का जो वेस्ट मटीरियल, तो ये सारी चीज़ें कहाँ थ्रू आउट करते हैं, वाटर बॉडीज में थ्रू आउट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो अनसुटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। वैसे ही वाटर जो है, जो यूजफुल वाटर है हमारे लिए, वो इतना कम है। ओके, आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और इसकी वजह से जो वाटर हमारे ह्यूमन यूज के लिए वो अनसुटेबल हो जाएगा, हमारे यूज का नहीं रह जाएगा। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और ये क्या करता है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, ह्यूमन को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ साथ में जो हमारी वजह से जो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है, जैसे फिशेज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये भी डैमेज होंगे। ओके, सो ये ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन ही तो जो डस्ट है, जो डिस्चार्ज है वेस्ट मटीरियल का, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर्स में, तो इसी वजह से और भी जो फॉर्म्स है लाइफ की वो भी इसकी वजह से डैमेज होंगे, स्पॉइल होंगे। इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड द एयर। ऐसी ही जो इंडस्ट्रीज हैं या थर्मल पावर प्लांट हैं, व्हीकल्स के स्मोक हैं, ये क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। और एयर के अगर एयर पॉल्यूटेड होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ एयर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा था कि हमारे एयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये अर्थ की जो रेडिएटेड हीट है उसको ऑब्जर्व करता है, इसकी वजह से हमारी अर्थ पे थोड़ी गर्मी बनी रहती है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन अगर CO2 का लेवल या CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, इस पॉल्यूशन की वजह से, अगर एयर पॉल्यूटेड होगी तो क्या होगा, इसकी वजह से हीट ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, हमारे अर्थ पे, और हीट बढ़ने की वजह से जो CO2 की मात्रा है वो इंक्रीज होगी और इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग का टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग नेम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि इट्स लीड टू इंक्रीजिंग CO2। जब CO2 का लेवल या CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एयर में, ओके, हमारे एटमोसफेयर में इंक्रीज हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, द एटमोसफेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। सो इनमें बैलेंस बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा लिमिट किया जाए, और वो जो खास तौर पर रिन्यूएबल है, ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रेदर देन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके उन पे फोकस किया जाए, ओके, और इनके बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जाए। सो इसकी वजह से जो नेचुरल का लिथोस्फीयर, जो नेचर है हमारा, जो अर्थ है, लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जो फॉर्म्स हैं, इसमें जो है, अगर इसमें बैलेंस बना रहेगा तो पूरी अर्थ जो है वो अच्छे तरीके से वर्क भी करेगी, ओके, और इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।